तो अभी हम लोग तैयार व्यार होके मैं और रोहित भाई निकल चुके हैं रानीखेत के लिए, और आखिरकार मेरा ये निकल ही गया, अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ये निकल गया। रोहित भाई ने बनवा रखा, अपने आगे भी टांग रखा है, पीछे भी टांग रखा है, देखा ये देखो इस पर भी लिख रखा है स्लीपिंग वाले पे। तो फिर यहाँ से चलेंगे आगे से देखेंगे, पहले मॉल रोड हमको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा पॉश एरिया है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिलेगा, टैक्सी वाले ज़्यादा चलते हैं। तो मॉल रोड क्रॉस करते हैं, उसके बाद वहाँ से लिफ्ट मांगना चालू करेंगे और आज रानीखेत तक जाएंगे और एक नई एडवेंचर की शुरुआत करते हैं फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग चलते चलते उस रोड से पहले उधर से अभी इधर आ चुके हैं और यहाँ से लिफ्ट का ट्राई करेंगे थोड़ा, और देखते हैं कितनी जल्दी लिफ्ट मिलती है क्योंकि ये मेरा पहाड़ों में ना लिफ्ट मांगने का पहला एक्सपीरियंस होगा और रोहित भाई साथ में, थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है फिर लिफ्ट मांगने में। और हम लोग आज साथ में कैंपिंग करेंगे, आज ही नहीं मतलब जितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। तो चलिए फिलहाल लिफ्ट मांगना ट्राई करते हैं। अभी मैंने एक लिफ्ट मांगी थी लेकिन वो 1 किलोमीटर तक ही जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं वरना आपको जरूर छोड़ देते। फिर मैं सोचा कि 1 किलोमीटर जो है फिर थोड़ी सी लंबी लिफ्ट लेने की, भवाली तक लेते हैं क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो वो लिफ्ट भी मिल जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, और ये रोड यहाँ से खाली खाली सा है। टैक्सी है क्या? और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाइक टैक्सी भी चलती है, कार टैक्सी भी चलती है, तो थोड़ा सा जो ये पीले नंबर वाली आ रही है, देखिए ये जो पीले नंबर की है, ये सारी टैक्सी है, पीले नंबर टैक्सी का ही होता है, तो हमें इनसे लिफ्ट नहीं मांगनी। ये जो वाइट वाले देख रहे हैं DL6C, ऐसे लोगों से लिफ्ट मांगनी। तो देखते हैं ट्राई करते हैं। आए भैया कहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रानीखेत, आ जाओ। तो थैंक यू, हमारी पहली लिफ्ट मिल गई। भैया क्या नाम है आपका? प्रखर। प्रखर नाम है आपका? सर आपका? अखिलेश राव। अखिलेश राव, थैंक यू सर, आ जाओ। चलो सामान रखो, मैं आ जाओ भाई सामान रखते हैं। हाँ जी, अरे मैं कह रहा था एक छोटा सा कष्ट दे रहा हूँ आपको, दिन में ना शिखर पर लंच करवा देना। रुक जाओ मैं थोड़ा सामान एक साइड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। अभी तो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, डिग्गी खोलो, डिग्गी में डाल दो, डिग्गी में डाल दो फिर। हाँ खुला है? हाँ बोलो, तो डिग्गी में डाल दो, डिग्गी खुला खुला है, खुला है, ओपन करो। तो वाइट बॉम्ब भैया को बोलो, भैया दिला देंगे। हाँ खुल गया, खुल गया सर, ये डिग्गी में डाल दो। एक टॉय और कल्चर का मिक्स मिल जाएगा वहाँ पे, प्रॉपर टॉय चाहिए तो मेरा नहीं, ठीक है बैठ जाओ, बंद कर दो टॉय कल्चर, डिग्गी बंद, डिग्गी बंद करना भूल गया, लेकिन चलो कोई नहीं। और थैंक यू सर, और हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल गई, सुबह सुबह ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। रानीखेत तक चलेंगे? रानीखेत तक तो नहीं जाऊंगा पूरा। कहाँ तक जाएंगे सर? आपको हम छोड़ेंगे गर्म पानी पे। अच्छा गर्म पानी पे, गर्म पानी से फिर आपको 40 किलोमीटर आता है। अच्छा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं तक छोड़ देंगे तो हम चले जाएंगे। भैया से बात करके लिफ्ट मिल गई है, ठीक भैया गर्म पानी तक छोड़ देंगे। थोड़ा से मेरे हिसाब से आज अल्मोड़ा घूम करके जागेश्वर चले जाना, वहीं से पता कर लेना, वहाँ से मुंशियारी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से, 6 घंटे की जर्नी। चाइना बॉर्डर बंद है ना अभी? चाइना बॉर्डर तो सारे बंद है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर आता है, चाइना नहीं आता। अच्छा हाँ नेपाल बॉर्डर, वो काला पानी वाला वही मसला हुआ था ना वहाँ, जो बीच में दिखा रहा था कि हमारा है वो उधर का, वो इसी में था। मानसरोवर यात्रा कैलाश मानसरोवर, पहले चाइना मानसरोवर के लिए डायरेक्ट हमने उत्तराखंड से ही सीधे जाएंगे, मतलब कोई अदर कंट्री में नहीं जाना, हमें सीधे अपने देश से निकलेंगे। अच्छा वो बन गई है रोड, अब 80% कम्प्लीट हो गए, 20% हो गए, मतलब इस साल के एंड तक वहाँ गाड़ी चली जाएगी। अच्छा कैलाश मानसरोवर 2023 में बताया, मतलब 23 में आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और पंडित रामा क्या हाल है? तो ये एक छोटा सा टेंपल है और यहाँ पे अंकल जी रुके हुए माता का दर्शन कर रहे हैं, हमने कर लिए भाई, यही फायदा होता है जर्नी करने का। मंदिरों का बड़ा भ्रमण, बस सब आशीर्वाद है भगवान का, जहाँ जाओ काम में जाओ वही मंदिर ही है, मनसा देवी मंदिर है ये है मनसा, तो अभी ये मनसा देवी मंदिर है यहाँ तो।
और अभी अभी माता के दर्शन भी हो गए और पंडित जी ने प्रसाद दिया, प्रसाद खा लिया, अब चल रहे हैं आगे के लिए और आपको रास्ते की थोड़े व्यू दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे व्यू हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा कैची धाम का एरिया है और वहाँ पे कैची धाम का मंदिर है। ये कैची धाम का मंदिर है और वो आपको बाबा नीम करोली जो वो फोटो में दिख रहा है वहाँ पे वो है और मुझे भी पहली बार पता लगा और बहुत ही फेमस कैची धाम का। तो मेरे को बता तो बहुत लोगों ने अच्छा था। वैसे आगे जा रहे हैं अभी हम कहीं बीच रास्ते में रुके हुए हैं, अंकल जी चाय के लिए ऑफर कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं। और भाई बड़ा मजेदार सफर रहा, अच्छे अच्छे पहाड़ों के दर्शन हो गए। मेरे को यार मोशन सिकनेस आ रही है गाड़ी में, बाइक में तो मजा आता मुझे गाड़ी में थोड़ा ऐसी होता है भाई। ये तो पहाड़ों में काफ़ी टाइम रहा, मेरा तो पहली बार है तो भाई होता ना एक्साइटमेंट है मेरी पहली। यहाँ रुके हुए हैं और अभी हम यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाते हैं, जो नीचे है ना यहाँ पे खेती हुई है पहाड़ों पे, मतलब सीढ़ीदार नुमा हुई है जैसे पहाड़ है और नीचे से एक मतलब छोटी सी नदी टाइप जा रही है। ये अंकल जी बता रहे थे कि ये जब बरसात का सीज़न आता है ना ये पूरा भर जाता है और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी काफ़ी होती है। भैया ये ट्राइपॉड रख दिया मैंने और मोबाइल निकाल लिया और यहाँ पे गिलास में चाय मिली, बहुत दिन बाद घर पे पिया था ऐसे गिलास में चाय, हाँ उसके बाद से डिस्पोजल में ही पीते आ रहे हैं। और ये देखो भाई गोप्रो से शूट कर रहे हैं। पहाड़ों में चाय पीने का ना मज़ा ही अलग है और चाय बहुत शानदार बनाते हैं, बहुत कड़क चाय बनाते हैं। ये हमारा गोप्रो है, हमारा नहीं है, रोहित भाई का, यही लेना है मुझे एक दिन। तो अभी हमने चाय वगैरह पी लिया और इस गाड़ी में लिफ्ट मिली थी और चलो चलिए निकलते हैं। बैठो बाहर यार, ऐसे छोटा बच्चा है क्या भाई, आ जाओ। बहुत अच्छे बैठ गए, तो चले चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी थी पहले से और ये एक रास्ता है वो जोड़ता है उस गांव से मेन रास्ते से उस गांव कैंप साइड है। अच्छा तो ऐसा था वो कैंप साइड था और ये देखिए जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है जो आप देख रहे हैं ना, ये लैंडस्लाइड है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गर्म पानी, अंकल जी हमें आगे पे छोड़ देंगे हाईवे तक, वहाँ से हम लोग अल्मोड़ा के लिए लिफ्ट लेना चालू करेंगे। और पहले प्लान था रानीखेत जाने का लेकिन उसे हमें सडनली कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अंकल जी ने कहा रानीखेत नहीं जाओ, वहाँ कुछ है नहीं, फिर तुम लोग उल्टा मतलब 50 किलोमीटर रानीखेत जाते हैं फिर वापस आते 50 किलोमीटर, उससे अच्छा अल्मोड़ा चले जाएँ। तो फिर चलिए आगे चलते हैं और जहाँ से हाईवे जहाँ अंकल छोड़ेंगे वहाँ से फिर लिफ्ट मांगना चालू करेंगे। फिलहाल हवा चेक हो रहा है, अंकल जी ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था, अभी हम पहुँच चुके हैं। ये जो रास्ता जाता है जाता है रानीखेत की तरफ और ये ब्रिज है जो कि रानीखेत को जोड़ता है यहाँ से, और हमको जाना है इस रास्ते पे क्योंकि हम जाएंगे अब अल्मोड़ा, क्योंकि अंकल जी ने बेस्ट सजेशन दिया था कि रानीखेत मत जाओ और वहाँ बहुत ज़्यादा घूमने के लिए कुछ है नहीं, तुम लोग अल्मोड़ा चले जाओ। अभी हम जाएंगे अल्मोड़ा इस रास्ते पे और यहाँ का भाई व्यू देख सकते हो। तो चलिए आपको थोड़ा सा पुल घुमा देते हैं और ये यहाँ का पुल है और नीचे से भाई नदी बहती हुई आ रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, मज़ा सा आ गया। अल्मोड़ा यहाँ से और 33 किलोमीटर रह जाता है, यानी एक दो अच्छी लिफ्ट मिल गई एक तो हम लोग अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। और यहाँ की खूबसूरती देख सकते हो आप, ऐसा नीचे से नदी बह रही है और नीचे कुछ काम भी चल रहा है, कोई और पुल वगैरह कुछ बन रहा है। चलिए अब यहाँ से सोचते हैं आगे लिफ्ट मांगते हैं और यहाँ पहले फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं मेमोरीज़ के लिए और उसके बाद यहाँ से हम लोग लिफ्ट मांगना चालू करेंगे, देखते हैं दूसरी लिफ्ट कितनी जल्दी मिलती है। तो भाई साहब यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है और इन्हीं नज़ारों के लिए तो मैं पहाड़ों में आता उत्तराखंड, और भाई मज़ा आ गया। हिचहाइक फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, भारत यात्रा ट्रैवल विदाउट मनी बाई हिचहाइकिंग। ये लो प्लीज। तो अभी मैंने दो तीन गाड़ियाँ ट्राई करी, लिफ्ट तो नहीं मिला,
इसमें ट्राई करते हैं। हल्के रोड़े को यही बताओ, इसमें भी नहीं मिला भाई। ये है कि मतलब लिफ्ट मिलेगी, लेकिन भाई आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं मिलेगी तो चलना भी पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है भाई, चलते रहना है। इन्वाजियम कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, यहाँ चलने में भी एहसास नहीं होता। कल हमने इतनी ट्रैकिंग करी, उसके बाद मतलब अभी होता है ना कि पैर दर्द, रात को रेस्ट लिया, सब कुछ खत्म, अब फिर से निकल चुके हैं नए सफ़र पे। और इनसे लिफ्ट मांगे क्या? भाई साहब आगे निकल गए, कोई नहीं ट्राई करते रहेंगे। भैया रोक दो, प्लीज़ रोक दो, प्लीज़ भैया रोक दो। देख लो कितने स्पीड में निकल रहे हैं, ठीक है। फोन नेटवर्क आ रहे हैं। अरे भाई लड़की बैठी थी यार। तो भाई अभी हम लोग पीछे खड़े थे और यहाँ से ना एक एक पत्थर करके गिर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भाग भाग के यहाँ चले आए, और क्योंकि यहाँ रहना, मुझे खड़ा रहना सेफ नहीं लगा, पता नहीं कब लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से वहाँ चला है। अरे आ जाओ रोहित भाई, लिफ्ट लगता है, लिफ्ट मिल गई। सर कहाँ तक जाएंगे? डिग्गी खुल जाएगी क्या? कहाँ तक जाएंगे सर? अल्मोरा तो डिग्गी में सामान रखते हैं, आ जाएगा। ये छोटा वाला पीछे रख देते हैं, बाकी सब आगे। मेरा वाला छोटा एडजस्ट होता है। हाँ आ जाएगा? नहीं आएगा, छोड़ो बंद कर। तो अभी हमें लिफ्ट मिल गई, भैया ने दिए, और चलते हैं, बैठते हैं डायरेक्ट अल्मोरा की मिली है शायद, चले अंदर चलो। सामान पूरा अंदर कर लो एक साइड। थैंक यू भैया। कहाँ अल्मोरा तक जा रहे हैं आप लोग? ना हम आगे जाएंगे, अल्मोरा से आगे जाएंगे। चलो तो अभी हमें लिफ्ट मिली है अल्मोरा तक, मतलब पूरा मिल गया भैया, उससे आगे जाएंगे, और ये हमारी आज की दूसरी लिफ्ट है, डायरेक्ट अल्मोरा पहुँच जाएंगे। रास्ते में और रास्ते का व्यू दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग रुके हैं बीच रास्ते में, यहाँ से अल्मोरा लगभग होगा 7-8 किलोमीटर। और भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। पहाड़ की हाइट ज़्यादा ना, पहाड़ ऊपर आ गए हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और जो गाड़ी होती है ना वो रोलर कोस्टर की तरह होती है, ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए बिजली आ गई। बाकी नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक है। और ये बाल मिठाई है, और दिखाते हैं आपको बाल मिठाई, दिखाते हैं ये है बाल मिठाई। भाई ने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, मैंने भी नहीं खाया, तो उसका भी थोड़ा सा असर पड़ा। हाँ मेरा क्या ना, बिना खाए कभी कभी थोड़ा टाइम तक चल जाता है, 10-12 बजे तक चल जाता है मेरा, पानी पी लिया है थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रवि धामी। रवि धामी आप यहीं के हैं? पिथौरागढ़ का। थैंक यू भैया, मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ उतर चुके हैं, और हमारा सामान यहाँ रख दिया, और भैया को असल में जाना था पिथौरागढ़, मतलब हाँ पिथौरागढ़ जाना था उनको, वो जाएंगे बाईपास से और ये जाएगा सिटी के अंदर, तो हम लोग सिटी के अंदर जाएंगे अल्मोरा। तो हमको इधर जाना है, यहाँ से 2 किलोमीटर है अल्मोरा,
और 2 किलोमीटर पैदल निकलेंगे। तो अभी तक की जर्नी सक्सेसफुल रही, अब अल्मोड़ा घुमाते हैं आपको। तो अभी हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ, ये रास्ता जा रहा है 2 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है अल्मोड़ा, उसके बाद देख रहे हैं पैदल ही चलेंगे, अगर बीच में कोई गाड़ी मिलती गाड़ी पकड़ लेंगे अल्मोड़ा के लिए। अभी तो फिलहाल निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई इधर जा रहा है, वहाँ वो पार्क है, वो पार्क बीच में पड़ा था। तो भाई अभी यहाँ पे बैठे थे जहाँ से अल्मोड़ा अभी 2 किलोमीटर था, तो हम लोग वहाँ उतरे थे, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि पता है क्या मतलब पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सा वॉमिटिंग सा हो रहा था और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो अभी हम लोग ये खाने जा रहे हैं, ये जैम और ये ब्रेड। और चक्कू साफ करना पड़ेगा? नहीं चक्कू से लगाओ ना, साफ है तो, साफ तो है। नहीं नहीं चक्कू साफ करना पड़ेगा फिर। हाँ तो फिर हो जाएगा भाई, चक्कू साफ करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी भाई जैम ब्रेड लगाएंगे, हमने बन लिया यार, ब्रेड मिल ही नहीं रहा था यार। अभी तक नैनीताल से यहाँ आने का हमारा जो खर्चा है वो है 0 रुपये, अभी तक हमने 1 भी रुपये खर्चा नहीं किया। हाँ ये खर्चा किया था 20 रुपये का, बन लिया था बस, और कोई खर्चा नहीं हम लोगों का। और आगे भी ना हो तो और मज़ा आ जाएगा यार, बस एडवेंचरस होनी चाहिए जर्नी। भाई देखो कितने प्यार से लगा रहे हैं, मक्खन की तरह जैम लगा रहे हैं, सोचो। जैम सही है वैसे, ज़्यादा वो नहीं है हार्ड बनना। हाँ हार्ड होती है ना तो वो हो जाता है, मज़ा नहीं आता। तो अभी खाते हैं और खा के यहाँ से फिर निकलेंगे अल्मोड़ा घूमने के लिए। और अगर वीडियो लंबी हो गई तो हम वीडियो को बंद कर देंगे, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का अल्मोड़ा का सीन देखने को मिलेगा। नंदादेवी टेम्पल कितना दूर होगा? कौन सा टेम्पल? नंदा देवी, 2.5 किलोमीटर। थैंक यू।